Yes. Выстрел! रूस यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे साल में प्रवेश करने के बाद और भयानक होता जा रहा है। अब तक यूक्रेन की मदद पश्चिमी देश और नाटो अलायंस पीछे से कर रहे थे, लेकिन अब वे खुलकर रूस के सामने आने लगे। खतरे को भांपते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस बीच एक बार फिर से यूक्रेन ने अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मांग कर दी। इसकी खासियत यह है कि आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को भांप कर मार सकता है। इस बीच अमेरिका और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यूक्रेन को इशारों में बड़ा बयान दिया है। जेक सुबलिन ने कहा है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा को कमजोर करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन यूरोपीय यूनियन, नाटो और अन्य साझेदारों पर अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के साथ साझा करने के लिए दबाव बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। हाल में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी पश्चिमी समर्थक देशों से कम 7 पैट्रियट बैटरियों की मांग की। कीव ने संकेत दिया है कि उसके पास कोई भी अतिरिक्त नहीं है। अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम अभी अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट समेत दुनिया भर में तैनात किए जा रहे हैं। यदि हम और अमेरिकी पैट्रियट बैटरियों को अनलॉक कर सकें तो हम उन्हें भेज देंगे, मगर अमेरिका मिसाइलों के सप्लाई का काम कर रहा है जो पैट्रियट बैटरियों में जाकर फायर करती है। पेंटागन ने बीते शुक्रवार को घोषित ऐतिहासिक $6 बिलियन सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में अतिरिक्त पैट्रियट युद्ध सामग्री देने का वादा किया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि इंटरसेप्टर के आने में कितने महीने या फिर साल लग सकते हैं। दिग्गज अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी रेथियन की एक MIM-104 पैट्रियट बैटरी की कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है। इसमें कई ट्रक माउंटेड इकाइयां शामिल हैं। इनमें बिजली रडार, एंटीना, एंगेजमेंट कंट्रोल और अन्य सहायक वाहन, 7 इंटरसेप्टर मिसाइलों के साथ 8 लॉन्चर शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने 1100 से ज्यादा पैट्रियट लॉन्चरों को बनाया है। एक अनुमान के मुताबिक सैकड़ों सक्रिय भूमिका में अपनी सेवा में तैनात है। दावा है कि यूक्रेन को केवल एक ही बैटरी भेजी गई है। जर्मनी ने 2 बैटरी दी हैं, जबकि नीदरलैंड ने सिर्फ 2 लॉन्चर शेयर किए हैं। अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि इस बीच हम जो करने जा रहे हैं वो यूरोपीय साझेदारों और दुनिया के अन्य हिस्सों में साझेदारों के साथ काम करना है, ताकि वे यूक्रेन को अतिरिक्त वायु रक्षा क्षमता प्रदान कर सकें। जर्मनी और नीदरलैंड के अलावा पैट्रियट सिस्टम ऑपरेट करने वाले अन्य यूरोपीय देशों में पोलैंड, स्पेन, ग्रीस और रोमानिया शामिल हैं। हालांकि बर्लिन ने हाल में यूक्रेन को एक और पैट्रियट बैटरी सप्लाई करने का वादा किया था। वहीं पोलैंड ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि उसके पास एक्स्ट्रा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। उधर स्पेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को अपने स्टॉक से सिर्फ छोटी संख्या में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें दे सकता है, मगर वास्तविक सिस्टम नहीं दे सकता। ग्रीस ने भी बाहरी दबाव का विरोध किया है। ग्रीस के पीएम ने जोर देकर कहा है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो हमारे देश के एयर डिफेंस को दूर से खतरे में डाल सके। गौरतलब है कि अमेरिका और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने बार बार रूस को तंग किया है तो यूक्रेन की मदद की है। वहीं यही वजह है कि यूक्रेन ने फिर से सिस्टम को लेकर मांग कर दी है।